ओके तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, रितेश देशमुख जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म की दुनिया में कदम रख चुके हैं। जैसा कि मैंने एक उनकी मूवी का ट्रेलर आया था पहले, उसके बारे में बात करी थी, तो अभी हम लोग बात करेंगे एक और फिल्म उनकी आने वाली है जो कि 12 जुलाई को स्ट्रीम करेगी अपने G5 पर, उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है ककूड़ा। ककूड़ा करके एक ट्रेलर जो है आउट हुआ है लगभग 2 से 2.5 मिनट के आसपास का। इसके अंदर हमको कुछ और भी लोग दिखे हैं जो कि मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छे एक्टर हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, रितेश देशमुख सर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। एक ऐसा गांव है जहां पर आप बोल सकते हो कि पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं कि ये एक बीमारी है, लेकिन गांव वालों को पता है एक्चुअल में ये बीमारी नहीं, ये एक श्राप है, ये एक भूतिया साये का कहर है जो कि हर किसी के घर में 2 दरवाजे लगाने पर मजबूर कर रहा है, एक छोटा एक बड़ा। छोटे दरवाजे से वो लोग आते हैं, बड़े दरवाजे से वो लोग आते हैं। छोटा दरवाज़ा ककूड़ा के लिए लगाया गया है, ककूड़ा या कोकूड़ा जो भी है, वो उसका काम है, वो हर किसी के कमरे पे दस्तक देता है। जिसके कमरे पे दस्तक देने का उसका मन करेगा, अगर गेट नहीं खोला तो फिर उसके बाद में सीधा 12 दिन बाद उसकी 13वीं हो जाती है। उसके बाद में एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि गाँव के अंदर आती है, उसको लगता है ये सारी चीज़ें जो है वो बकवास है। फिर फाइनली वो ट्राई करती है, हालाँकि गाँव वाले उसको समझाते हैं कि ये अंधविश्वास नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं है, ये एक अलग ही चीज़ है। लेकिन उसको लगता है कि यार गांव वाले थोड़ा ज़्यादा डर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा ट्राई करना चाहिए। अभी एंट्री होती है अपने रितेश देशमुख सर की। ये तो पूरी मूवी एक्सप्लेन हो गई एक तरीके से, मूवी रिव्यू हो गया, क्योंकि ट्रेलर ही ऐसा है यार, पता लग जाता है स्टोरी का ट्रेलर के बाद। तो उनका जो काम है एज ए घोस्ट हंटर हमको देखने को मिलेगा। कॉमेडी पंचेस कमाल के हैं, स्टोरी लाइन तो अभी ठीक ठाक लग रही है। उसके बाद में हॉरर प्लस में जो एक कॉमेडी का एक जॉनरा जो उन्होंने साउथ से उठा के पकड़ा है वो काफ़ी अच्छा है। और BGM तो ओके ओके मेरे को लगा, सोनाक्षी ठीक है, अपना साइड में रखते हैं अभी उसको। रितेश देशमुख सर की एक्टिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद में और भी जितने एक्टर हैं या फिर एक्ट्रेस हैं वो मेरे को काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिंग लगी। हालांकि इन्होंने जो हॉरर वाला फील है वो लास्ट में देने की कोशिश करी है, जो कि कहीं ना कहीं तक कुछ हद तक वो लोग कामयाब भी होते हैं। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा तो एक बार चेक कर लो जाके, आपको पता लग जाएगा। और 12 जुलाई को प्रीमियर करेगी या फिर ये आपकी 12 जुलाई को आउट करी जाएगी G5 पे, तो एक बार ना चेक कर लेना। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।